मनोहर सरकार तरक्की अपार। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और इस साल 40वां राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और इस खास मौके पर राज्यों की सरकारों ने युवाओं को प्रेरित करने का काम किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में भी विवेकानंद युवा महासम्मेलन आयोजित किया गया और इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस महासम्मेलन में कहा गया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद जैसे महान लोगों के विचारों और आदर्शों को अपने जीवन में धारण करना होगा। आपको बता दें कि इसी विजन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा राज्य में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के हित में मनोहर लाल सरकार ने कई अहम कदम उठाए। आइए इस खास मौके पर हम जानते हैं कि मनोहर लाल सरकार के वो प्रयास क्या है जिससे हरियाणा का युवा प्रगति की राह पर लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र में विवेकानंद युवा महासम्मेलन, सीएम मनोहर लाल ने किया मिशन 60 का ऐलान। चुनाव से पहले 60,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। राज्य में बनेंगे वन मित्र। 75,000 युवाओं को ई सेवा मित्र। सीएम ने सरस्वती वाटिका विकास कार्य का किया शिलान्यास। कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में विवेकानंद युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। महासम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का ऑनलाइन संवाद सुनाया गया। इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सरस्वती वाटिका में विकास कार्य का शिलान्यास किया। बता दें कि इस परियोजना पर 3 चरणों में 3.68 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। युवाओं को रोजगार देने का वादा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आने वाले चुनाव से पहले 60,000 युवाओं को रोजगार देंगे। वहीं अभी तक 1,10,000 युवाओं को दिया जा चुका है रोजगार और चुनाव से पहले 1,70,000 युवाओं को रोजगार देने का कार्य पूरा कर देंगे, जो एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। उन्होंने कहा कि 60,000 युवाओं को वन मित्र भी बनाए जाएंगे। कौशल्या रोजगार के तहत वन मित्र को 15,000 प्रति माह तक आमदनी होगी। ऐसे ही कौशल्या रोजगार निगम के तहत 15,000 युवाओं को प्रशिक्षित कर निजी कंपनियों को भी देंगे। यही नहीं, जिन लोगों की ग्रुप डी में नौकरी नहीं लगी है और सी परीक्षा दी है, ऐसे 15,000 युवाओं को भी काम दिया जाएगा। यही नहीं, 75,000 युवाओं को ई सेवा मित्र भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, मैं 70 साल का नौजवान हूं और हर युवा के साथ खड़ा हूं। युवाओं को किसी भी स्तर पर निराश नहीं होने दिया जाएगा। आज युवा दिवस है और वो युवाओं के साथ युवा मन से ही खड़े होने का ऐलान करते हैं। हरियाणा के विकास में आजकल बहुत हमने जनसंवाद अथवा जो हमारी विकास यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, बहुत लोग उसमें अपने गांव के शहर के काम बताते हैं। काम हमारे पास बहुत डिमांड आ गई है, पैसे की कमी नहीं है। काम करने के लिए जितने कंट्रैक्टर चाहिए, जितने ठेकेदार चाहिए छोटे बड़े काम करने के लिए, अब वो नहीं है। तो हमने एक योजना बनाई है मित्रों, क्या हम इस आने वाले समय में, क्योंकि कुछ प्रदेश कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं चाहे डिग्री होल्डर हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके और 15,000 नए युवकों को हम छोटे ठेकेदार बनाएंगे जो प्रारंभ करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी सुविधा, एक तो उनकी ट्रेनिंग मुफ्त कराएंगे और दूसरा
उनकी एक साल के लिए 3 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिलाएंगे, उनको गारंटी नहीं लेनी पड़ेगी ताकि नए लोग आगे आए। 25 लाख रुपए तक का काम अगर उन्होंने अपने गांव में शहर में छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन अथवा कोई गारंटी वो नहीं चाहिए, वो गारंटी सरकार देगी। हमारे युवकों को आगे बढ़ना चाहिए, सरकारी नौकरियां भरपूर दे रहे हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन साथ साथ कुछ अपने काम करने वाले युवक आगे आए अथवा कुछ जो कंट्रेक्चुअल काम होते हैं तो उन ऐसे कंट्रेक्चुअल कामों के लिए अगर आगे आए तो ऐसे जो काम हैं अनुबंधित काम उनके लिए भी हमने रास्ता खोला है। युवाओं में जगा प्रबल विश्वास। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे राज्य में एक ऐसी कार्यप्रणाली स्थापित की है जिस कार्यप्रणाली से युवाओं में प्रबल विश्वास बना है। युवा वर्ग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगा है। इस राज्य स्तरीय युवा महासम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा शक्ति वाला देश है। हम 21वीं शताब्दी में हैं। इस सदी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी युवा शक्ति है। मुख्यमंत्री ने कहा, आप भविष्य के कार्य बल हैं और आप में आर्थिक विकास को गति देने की शक्ति है। सरकार युवाओं को रोजगार देने, स्वरोजगार के लिए हुनरमंद बनाने और डिजिटल तौर पर दक्ष बनाने में कारगर साबित हो रही है। कहा कि युवा ताकत को सकारात्मकता दिशा में लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अन्य कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए हमें 4 अमृत स्तंभ, हमारी युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे किसान और गरीब वर्ग को मजबूत करना होगा। विकसित भारत का सपना केवल प्रधानमंत्री मोदी या किसी सरकार का नहीं बल्कि भारत के हर नागरिक का सपना है। और कहा कि विकसित भारत तभी बनेगा जब हमारे युवाओं को ऐसी शिक्षा मिले जो उन्हें रोजगार के प्रति सक्षम बनाए और उनकी सोच 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से ओतप्रोत हो। हमारा लक्ष्य है कि साल 2030 तक हमारे राज्य का हर युवा हुनरमंद हो। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए समय की मांग के अनुसार शिक्षा पद्धति में पर्याप्त बदलाव किए गए हैं। स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को सरकार ने कौशल के साथ जोड़ा है। स्कूलों में NSQF, कॉलेजों में पहला योजना, विश्वविद्यालयों में इंक्यूबेशन सेंटर और तकनीकी संस्थानों में उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के लिए उद्योगों के साथ MOU जैसे कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के साल 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य पूरा कर लेगा। मनोहर लाल सरकार कई देशों को मैनपावर सप्लाई करने के लिए तैयार है। CM का कहना है कि दुबई में एक बैठक के दौरान हमें जरूरतमंद देशों में मैनपावर भेजने पर सहमत हुए। उन्होंने कहा कि इजराइल ने हमसे 1000 मैनपावर की मांग की। हमने एक विज्ञापन जारी किया, जो लोग कुशल हैं उन्हें आवेदन करना चाहिए। ऐसे कई देश हैं जहां मैनपावर की जरूरत है। हालांकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि किसी को विदेश जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है और हमने डंकी प्रणाली को हतोत्साहित किया है। लोग इजराइल में रह रहे हैं और जो लोग जाने और करने के इच्छुक हैं वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हरियाणा युवाओं की उम्मीद की नई दहलीज। हमको पता है HKRN नाम से एक पोर्टल बनाया है, ट्रांसपेरेंट है। एक ही उसके अंदर हमने बात रखी है कि सबसे पहले काम गरीब आदमी को मिलेगा। जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है, सबसे पहले एक आदमी को उसमें से काम उपलब्ध कराया जाएगा, चाहे HKRN हो अथवा कोई और प्राइवेट काम करने के लिए जाता हो। हम सबसे पहले चाहेंगे कि हर परिवार जिसमें एक आदमी काम करने वाला है, 15,000 के आसपास उसकी अगर महीने की आमदन हो जाती है, 1,80,000 से ऊपर हो जाए, BPL से ऊपर उठ जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस नाते से आज मैं एक मिशन
मिशन 60,000 इसकी घोषणा कर रहा हूं। मिशन 60,000 माने अगले समय में 60,000 ऐसे परिवारों के युवकों को काम दिला करके उनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर करने का काम करेंगे। और 60,000 का विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, 7,500 ऐसे युवक हमने हिसाब लगा लिया है, इनको बनाएंगे वन मित्र, अर्थात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके काम दिया जाएगा नए पौधे लगाना, उस पौधे को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, उस पौधे को 3 साल तक जैसे एक माँ अपने बेटे को एक प्रकार से सुरक्षा करती है, उसको पालती पोसती है, ऐसे उस पौधे को पालना पोसना इस युवक का काम होगा 3 साल में। और वो एक बार बड़ा हो जाता है पौधा, फिर उसके बाद वो मरता नहीं है, पौधा जो अपना जीव पकड़ लेता है। हमारा वन विभाग की कमी उसको दूर करने के लिए 7,500 युवकों को ये काम दिलाएंगे जिनकी आमदन 14-15,000 रुपए महीने की हो जाए। बता दें कि हरियाणा में योजनाएं गरीब तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। इन फायदों को देखते हुए ये भी कहा जा सकता है कि गरीबी की छत तले पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी प्रदान करते हुए उनके लिए उम्मीद की एक नई दहलीज तैयार की है, जहां दस्तक देने भर से ही युवा नौकरी पाने के बाद अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो रहा है। पात्र युवाओं को मिल रही कामयाबी की डगर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सार्थक कदमों के जरिए बीते 9 सालों में प्रदेश के युवाओं के हित में कई कदम उठाए हैं। तकरीबन 1,00,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की, जो हकीकत में अपनी गरीबी के आंगन को बदलने के लिए जद्दोजहद में थे। बहरहाल सरकारी नौकरी मिलने के बाद जहां इन लोगों की माली हालत बदली, तो वहीं इन युवाओं को नौकरी मिलने से वो भ्रम भी दूर हुआ, जिसे लेकर अक्सर यही कहा जाता था कि सरकारी नौकरी बिना पर्ची और खर्चे के मिलना बेहद मुश्किल है। सीएम मनोहर लाल की दूरदर्शिता का ही प्रभाव है कि उचित पात्र को ही कामयाबी की डगर मिल रही है। आपको बता दें कि प्रदेश के शिक्षित युवा वर्ग में एक ऐसी धारणा थी कि बिना किसी को कुछ दिए वो सरकारी नौकरी नहीं पा सकते। गरीब परिवार में रहने वालों की कुछ अलग ही धारणा थी, मगर साल 2014 में जब मनोहर लाल ने प्रदेश में बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाली, तो उन्होंने अनेक ऐसे प्रयोग किए जो आज प्रदेश के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी साबित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 9 सालों के दौरान बिना सिफारिश के युवाओं को नौकरी देकर गरीबों के घर में आशा की एक नई किरण जगाई है। किसी को विश्वास ही नहीं था कि उनको भी कभी बिना सिफारिश और पैसों के हरियाणा में सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि हमेशा से ही नौकरी के मामले में हरियाणा में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद का बोलबाला रहा है। तो इस नाते से आज मैं एक मिशन 60,000 इसकी घोषणा कर रहा हूँ। मिशन 60,000 माने अगले समय में 60,000 ऐसे परिवारों के युवकों को काम दिला करके उनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर करने का काम करेंगे। और 60,000 का विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, 7,500 ऐसे युवक हमने हिसाब लगा लिया है, इनको बनाएंगे वन मित्र, अर्थात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके काम दिया जाएगा नए पौधे लगाना, उस पौधे को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, उस पौधे को 3 साल तक जैसे एक माँ अपने बेटे को एक प्रकार से सुरक्षा करती है, उसको पालती पोसती है, ऐसे उस पौधे को पालना पोसना इस युवक का काम होगा 3 साल में। और वो एक बार बड़ा हो जाता है पौधा, फिर उसके बाद वो मरता नहीं है, पौधा जो अपना जीव पकड़ लेता है। हमारा वन विभाग की कमी उसको दूर करने के लिए 7,500 युवकों को ये काम दिलाएंगे जिनकी आमदन 14-15,000 रुपए महीने की हो जाए।
मनोहर लाल सरकार ने बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी नौकरी देकर विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। गरीब परिवार के युवाओं को नौकरी मिलते देख प्रदेश के अन्य युवाओं में भी इस उम्मीद ने घर किया है कि अगर वो पात्र हैं तो उन्हें भी बिना पर्ची और खर्चे की नौकरी मिल सकती है। अहम बात यह है कि पिछले कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत रेवाड़ी जिले के गांव संगवाड़ी में पहुंचे थे, जहां एक व्यक्ति ने खड़े होकर उन्हें भगवान का दर्जा दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो भगवान नहीं बल्कि आपके परिवार के मुखिया हैं और हर मुखिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने परिवार के सुख दुख को समझे। उन्होंने ये भी कहा कि गरीब को उसका वास्तविक हक देना मेरा काम है। नौकरी मेरिट व योग्यता के आधार पर बच्चों ने स्वयं ली है। नौकरी के मामले में हरियाणा एक मिसाल। नौकरियों में पारदर्शिता की एक वानगी मानते हैं। दरअसल HCH से लेकर ग्रुप डी तक की नौकरी के समाचार उस समय लोगों को मिले जब कोई खेतों में काम कर रहा था या किसी दुकान या फैक्ट्री में। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि बिना सिफारिश व पैसे के उन्हें नौकरी कैसे मिल गई। बता दें कि समीक्षकों का मानना है कि हरियाणा में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ साल 2014 से सत्ता के मायनों में बदलाव महसूस किए जा सकते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब तक के शासनकाल में ऐसे अभूतपूर्व कदम उठाए हैं जिसका सीधा लाभ हर पात्र व्यक्ति को हुआ है। गरीब तबके के लिए उनकी कल्याणकारी योजनाएं वाकई कल्याणकारी साबित हो रही हैं। तो वहीं रोजगार और नौकरी के मामले में प्रदेश एक मिसाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जरूरतमंद परिवारों में जगे उम्मीदों के चिराग। CET एग्जाम में ग्रुप सी और डी दोनों की नौकरियां पाइपलाइन में हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, आज युवा दिवस है, आज मैं इस बात की जानकारी दे रहा हूं कि जो हमने ग्रुप डी की CET की परीक्षा ली हुई है, लगभग 3.25 लाख बच्चों ने परीक्षा दी है। आज शाम को उसका रिजल्ट आएगा, 2 लाख से ऊपर बच्चे उसके अंदर पास हो रहे हैं और आने वाले 15 दिन के अंदर अंदर जो उसमें 13,000-13,500 नौकरियां हैं तुरंत बिना इंटरव्यू के, जैसे ही रिजल्ट फाइनल होगा, क्योंकि एक परीक्षा जो ग्रुप डी की हो गई है उसका तो रिजल्ट आएगा, ग्रुप सी की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार अभी भी चल रही हैं, उसके अंदर कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि अब परीक्षाएं लेते जाओ, इनका रिजल्ट निकलते जाओ। तो आने वाले जो अपनी लोकसभा की आचार संहिता होगी उससे पहले पहले ये 60,000 नौकरियां अगले 2 महीने में लोगों को 60,000 नौकरियों से भरपूर हम देंगे। मित्र बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समानता के अधिकार को पुख्ता करने के लिए अपनी योजनाओं में गरीबों पर विशेष फोकस रखा। उन्होंने बतौर मुखिया ऐसे परिवारों का इस कदर हाथ थामा कि आज न केवल उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई, बल्कि तकदीर भी संवर गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब व जरूरतमंद परिवारों में उम्मीदों के चिराग जलाए हैं। जहां गरीबी के चलते अंधकार व मायूसी का माहौल रहता था, ऐसे परिवारों के युवाओं को नौकरी मिलने से इन परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है और समाज में एक पायदान पर ऊपर भी आए हैं। इसके अलावा समाज के ऐसे बच्चे जिनको अपने माता पिता का नहीं पता और लालन पालन भी बाल देखभाल संस्थानों में हो रहा है, ऐसे बच्चों का हाथ थामते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक अनूठी पहल करते हुए हरिहर योजना शुरू की है।
इस योजना के तहत बेसहारा, बेघर या परित्यक्ता व आत्मसमर्पित बच्चों का पालन पोषण, मुफ्त शिक्षा व रोजगार मुहैया कराया जाता है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने कई बच्चों को सरकारी विभागों में नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंप कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाई है। इन बच्चों में 9 लड़कियां व 2 लड़के शामिल हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध आधार पर लगे कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदारों के शोषण से बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन करवाया। पहले सेवा प्रदाताओं व ठेकेदारों द्वारा कभी ईपीएफ व ईएसआई का लाभ न देने के बारे में शिकायतें आती रहती थी, लेकिन अब निगम द्वारा इन कर्मचारियों को ईपीएफ व ईएसआई का समुचित लाभ दिया जा रहा है। तकरीबन हजारों कर्मचारी निगम के तहत समायोजित किए गए हैं। पूरे प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान का जो लक्ष्य रखा था, उसके भी अब सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। समृद्ध व खुशहाल राज्य बनाना लक्ष्य। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मनोहर सरकार ने अंत्योदय मेलों का आयोजन कर ऐसे परिवारों के सदस्यों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़कर उन्हें स्वाभिमान बनाने की दिशा में प्रयास किए हैं। इन मेलों में 50,000 लोगों को स्वरोजगार शुरू करने व अन्य कार्य के लिए ऋण मुहैया करवाया गया है और आज ये सभी लोग न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भरता से जीवन यापन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का विजन हरियाणा को एक समृद्ध व खुशहाल राज्य बनाना है। तभी संभव होगा जब समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होगा। यही अंत्योदय का मूल मंत्र है और इस दिशा में मनोहर सरकार निरंतर कार्य कर रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी।